दुनिया बदल रही है और दुनिया के देश भी काफी तेजी के साथ नए ग्लोबल दुनिया के साथ जुड़ रहे हैं। यूरोप एशिया में नए नए गठजोड़ सामने आ रहे हैं और हर देश दूसरे देश से आगे निकल जाना चाहता है। इसके साथ ही साथ एशिया में युद्ध, दोस्ती और विकास को छू लेने की होड़ चल रही है। तो वहीं एशिया के कई देश भुखमरी, बेरोजगारी, दिवालियापन के नजदीक पहुंच चुके हैं। श्रीलंका को आप देख रहे हैं और बहुत जल्द एक और देश का नाम इसमें शामिल होगा, जो है पाकिस्तान, क्योंकि पाक के हुक्मरान और जनरलों ने अपने देश को विकास के रास्ते पर लाने के बजाय विनाश के रास्ते पर धकेल दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। इसके साथ ही साथ ईरान में हिजाब को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच ईरान के एक काम ने भूखे पाकिस्तान को रोने के लिए मजबूर कर दिया है। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि भारत और रूस की दोस्ती कैसी है। जब मुसीबत में रूस था तो अमेरिका और दुनिया की धमकी को दरकिनार कर भारत ने रूस का साथ दिया। अब भारत रूस को लेकर ईरान ने एक बड़ा प्लान रचा है, जिससे रूस भारत के साथ ही साथ ईरान का फायदा होगा और इस काम से तीनों देश और करीब आएंगे। खबरों की माने तो ईरान में 3,300 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन और 6,000 किलोमीटर लंबा हाईवे पर तेजी से काम चल रहा है। ईरान को उम्मीद है कि एशिया, रूस और यूरोप के बीच वो ट्रांसपोर्ट हब बन सकता है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होते ही रूस से ईरान के रास्ते भारत तक एक व्यापार मार्ग तैयार हो जाएगा। इस व्यापार मार्ग से इन तीनों देशों को जहां भारी फायदा पहुंचेगा, वहीं आपसी संबंध भी और सुधरेंगे। जानकार कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ईरान के संबंध पहले से ही खराब है। ऐसे में ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जी जान से जुटा है और उसी का नतीजा है ये प्रोजेक्ट। जानकार कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से ईरान को बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका इससे परेशान हो सकता है और ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन ईरान को भरोसा है कि रूस भारत के साथ आने से अमेरिका की धार कमजोर होगी और ईरान के साथ ये दोनों देश रहेंगे, क्योंकि अगर रूस भारत को फायदा हो रहा है तो ये दोनों ताकतवर देश ईरान का साथ देंगे। जानकार कह रहे हैं कि ये परियोजना ईरान का मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। खैर, अगर रेलवे की बात की जाए तो इस रेलवे लाइन और हाईवे के निर्माण को दो सबसे बड़े फायदे होंगे। पहला, तीनों देश अमेरिकी प्रतिबंधों से बचते हुए आसानी से व्यापार कर सकेंगे और दूसरा, भारत को रूस के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साल 2002 में भारत, रूस और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की नींव पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक रेलवे लाइन का 560 किलोमीटर हिस्सा इसी साल मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं हाईवे का भी 1000 किलोमीटर का हिस्सा इस साल मार्च तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर रूस की विशेष नजर है और क्योंकि इनके बन जाने के बाद रूस का हिंद महासागर तक सफर आसान हो जाएगा। रूस खाड़ी और अफ्रीकी देशों के साथ भी तेजी से व्यापार कर सकेगा। कहा जा रहा है कि पुतिन खुद इस व्यापार मार्ग के निर्माण में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पिछले जुलाई में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से इसी सिलसिले में मुलाकात भी की थी, जिसका नतीजा आपके सामने है। लेकिन विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि ईरान कुछ करे और अमेरिका रिएक्ट ना करे, ये कैसे हो सकता है। देखना होगा कि ईरान और रूस को रोकने के लिए अमेरिका क्या करता है।